ओंकारं बिंदु संयुक्तं धैर्यनित्यं योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्वार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबको मेरा मन से हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग स्वस्थ रहो, मंगलमय आपका जीवन हो, आरोग्यवान बनो, ऐश्वर्यवान बनो, खुश हो बच्चे। ये 11 मई हर साल मैं आप लोग सब मनाती हूँ, लेकिन कुदरत की ऐसे ही वो आए हैं कि हम लोग मिल नहीं पा रहे। इस साल पिछले साल भी हम मिल नहीं पाए, इस साल भी हम मिल नहीं पाएंगे, लेकिन माँ और संतान में कभी दूरत नहीं होता है। माँ अपने बच्चे के हृदय में रहते हैं और बच्चे माँ का हृदय में रहते हैं। ये कभी दूर नहीं जाते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं। सर्व अवस्था में मट्टी में जल होता है, जल में मट्टी होता है, ऐसे ही माँ और संतान का संबंध होता है। फिर भी आँखों से देखने से आनंद आते हैं, छूने से आनंद में वृद्धि होता है और साथ मिलके कोई उत्सव में शामिल होने से आनंद दुगुना हो जाता है। जैसे प्रभु का इच्छा, समय और काल के साथ हमें चलना चाहिए, वैसे ही चलना है। जन्मदिन अर्थ क्या है? हम अपने पूर्व जन्म का कर्मों के अनुसार जो अगले पिछले हमारा जन्म थे, वो जन्म में हमने क्या कर्म किया हमको जन्म में मालूम नहीं है। हमें स्मरण भी नहीं रहता है कि हम क्या करके आए, लेकिन हमारे पूज्य गुरु जो होते हैं वो हमारे सर्व कर्म का हिसाब रखते हैं और उसी कर्म के हिसाब से वो हमें वैसे ही माँ बाप के पास उनके पुरुष में हमें जन्म देके एक स्वरूप को देता है, एक चेहरे को देता है, एक परिचय को देता है। हम दोबारा पूरे जो भी हम कर्म करते हैं अपने स्वरूप को वैसे ही बना लेते हैं। कोई कहता वो देखो बहुत अच्छा साधु है, कोई कहता देखो वो बड़ा दुष्ट है, कोई कहता देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन वो अपना जैसा ही होता है, क्योंकि कर्म तो अपने अनुसार ही कर डालता है और अपने उसी कर्म का फल पाने के लिए वो जन्म लेता है। उसी जन्म को उसी कर्म को साथ भोग करके यह जगत को त्याग करते हैं। तो कोई राजा बनने का अधिकार नहीं होता, वो राजा बनता है। कोई प्रजा बनने का अधिकार नहीं, ये कहने की बात है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए थे, मिलना था ये नहीं है। ये सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार हम अपने भाग्य में लिखा के लाते हैं, सब भोग करते हैं और मनुष्य बन के एक स्वरूप बना के उसको चलाते। कोई साधु बनता, एक बढ़िया गले में माला पहन लेता है, बढ़िया गिरोह कपड़ा पहन लेता है, कुर्सा कर लेते तो साधु है। क्या सतता ऊपर कुछ पहनने से दिखता है या सतता अंतर की बात है? अनन्य से एकदम अंदर के अंदर, गहन अंदर अंदर की बात है। वहाँ कोई दिखता नहीं, दिख नहीं सकता गुरु के सिवा। जैसे अंधेरे से अंधेरे, अंधेरे से तुच्छ अंधेरे, इतने गहरा अंधेरे होते हैं, वहाँ खाली गुरु ही दिखता है। प्रकाश ही वहाँ तक जाके उस अंधकार में से
हमारे अस्तित्व को निकल के ना कि मुक्ति की ओर ले जाता है। हम कितना तिलक काट ले, कितना माला ही पहन ले, कितना ही पोशाक बदल ले, कुछ नहीं होता है जब तक सदगुरु का करुणा नहीं मिलता है, आशीर्वाद नहीं मिलता है। सदगुरु का करुणा और आशीर्वाद से हमारा कायाकल्प होता है। उनके मंत्र, उनको दिया हुआ मंत्र से, जप करने से हमारे कर्मों को कट जाता है। वो कर्म जो अकर्म हो जाता था, गुरु का दिया मंत्र जाप करने से अकर्म जो है सुकर्म हो जाता है, और सुकर्म जो है हमारे अगला पिछला सारा हिसाब काट के बराबर कर देता है। इसलिए बाहर का जो स्वरूप है, जो हम लोग बना लेते हैं, वो तो एकदम बेकार है। असली चेहरा तो अंदर का होता है। अंदर हम कितना शांत है, अंदर हम कितना शीतल है, अंदर से हम कितना उचित अनुचित के बीच में रह के सामाजिक जीवन को परिपालन करते हैं। तो एक मनुष्य जन्म होने के बाद उस मनुष्य का यही अनुशासन होना चाहिए, वो अंदर और बाहर दोनों एक जैसा हो। कोई कारणवश अगर नहीं भी है तो अंतर मन को उसको इतना सतता के अंदर मेल के घोल के रखना चाहिए, ताकि उसको जो कर्मों पिछले का वो तो कट ही कटे, और इस जन्म में जो जोड़े उससे उसके ईंधन बने, शक्ति बने, और वो ऊर्ध्वगति को जाए। तो मैं आशीर्वाद देते हैं सबको। जन्मदिन तो सबको आते हैं, जन्मदिन आना ही है। जन्मदिन का अर्थ है एक एक बरस, एक एक साल चले जाना। कल जो था आज जो साल अभी बदल जाएंगे, नया साल आएगा, नए कर्म का सलाह आएंगे, नए कर्म का उत्साह बनेंगे। उनको करने में और करना हमारा कर्तव्य बनेगा, बनते हैं। ऐसे प्रत्येक मनुष्य को हर साल बदल जाता है, हर साल नए कर्म का उनको सलेब की तरह के एकदम आता है, जैसे पानी आता वैसे आते हैं। उन कर्मों को करना पड़ता जल्दी जल्दी, हर साल का कर्म निकल जाता, फिर एक साल आता, फिर एक साल आता। ऐसा करके जितना दिन का जीवन लेके हम जन्म लेते हैं, उतना दिन हर साल आते हैं और जाते हैं, और नया नया कर्म लेके आते हम करके अगर ठीक से करते हैं तो मुक्ति के रास्ता खुल जाता है, और कर्म कर डालते हैं तो उसको पनिशमेंट हो जाता है। तो जन्मदिन का अर्थ है आप लोग को संशोधन करना। हमने अगर कल तक कोई गलती किया तो आज से वो गलती नहीं करेंगे। अगर हमने कल वो कर्म किया वो हमारे लिए अनुचित है, आज से नहीं करेंगे। हर जन्मदिन में आपने ओथ लेना चाहिए कि अपने संशोधन का, अपने अंदरूनी संशोधन का, अपने अंदर जो अविचार कुविचार और अन्याय को है, इन सबको निकालना, प्रेम दया क्षमा को पूर्ति करना, उसमें भर देना, ताकि हम समझ में रहे कि ईश्वरीय शक्ति को प्राप्ति करें। ईश्वरीय शक्ति में क्या है? प्रेम। ईश्वर क्या करता है? हमें प्रेम करता है। तभी हम कितने दुष्ट क्यों ना हो, इंसान कितना दुष्ट क्यों ना हो, उसको खाना कपड़ा और रहने की जगह वो देता है उसके कर्म के अनुसार, क्योंकि दयामय है, करुणामय है। वो किसी को भूखा नहीं सुलाते, वो किसी को छत के नीचे नहीं करता जल्दी, कोशिश करता कि सबको सब कुछ उसके अनुसार मिले जो कर रखे। तो ये जो नया नया साल हम लोगों को जीवन में जन्मदिन के नाम पे आता है, ये खाली उत्सव के लिए नहीं आते हैं। इसमें अपने को हमेशा संशोधन करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, हर साल कोई प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, जिससे सामाजिक धार्मिक एवं खुद का उन्नति हो, तब जाके जन्मदिन मनाने का शुभ होता है। तो आज तो इस तरह से आप लोगों से मिलना चाह, मिलना भी नहीं हुआ, इतना दूर में हूँ, रोज मन करता है बात करूँ लेकिन नहीं हो सकता है। तो अभी जैसे भी आप लोग कल इसको सुनेंगे, वैसे इतने बच्चे हम आप कहेंगे मैं आपका संग हूँ, आप मेरे संग हो। कल का दिन हम सब अंतर मन से एक दूसरे से मिलेंगे, और दिन भर पूजा पाठ और
संसार के कल्याण का चिंता करेंगे। मैं आपका गुरु हूँ, मैं आप लोगों का माँ हूँ। गुरु का जन्म, गुरु जो होता है निर्विकार निष्कलुष शांत करुणामय विग्रह होता है, सदानंदमय होता है, आनंद मूर्ति होता है। उस गुरु को जिसके पास है तो उनकी अगर जन्मदिन है उनको आप लोग क्या देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हर सदगुरु चाहेंगे कि उसके बच्चे कोई अच्छा कर्म की तरह अपने जीवन को मोड़े। मैं भी आप लोगों से ये प्रार्थना करूँगी बच्चे कि देख तो रहे हो समाज में जीवन और मृत्यु का कोई वो नहीं है। अभी जीवित है तो कल नहीं रहता है। किस कदर चारों तरफ ये मृत्यु नाच नाच रही है, बीमारी नाच रही है। इन सब को से मुक्ति पाना और अपने को सही रखना, ऐसा कोई काम ना करे कि उसे हम अपने को बद में डूब अनाचार में डुबा लें, अनाचार ना करें। जन्मदिन का अर्थ होता है अपने को सटीक करना, अपने को ईश्वर के चरण में डालना, गुरु के चरण में डालना, माता पिता का आशीर्वाद देना, सबसे आशीर्वाद देना और जीवन का दूसरा नया जो साल शुरू होते हैं उसमें अपने को संशोधन करके चलने का, यही जन्मदिन मैं समझती हूँ। और आप सबको मिठाई भी नहीं खिला सकते, लेकिन हाँ अपने अपने घरों में आप लोग मिठाई खाओ, आनंद करो, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि हर साल मैं खिलाती थी, अब नहीं खिला पा रहा हूँ तो आप लोग खुद खाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। और आशीर्वाद देती हूँ दोबारा, मन से आशीर्वाद देती हूँ। आप लोग बस इस दुर्योग की जो एक महामारी का समय चल रहा है, मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे प्रियजन, संसार के हर मनुष्य सब ठीक ठाक रहे, इन्हें दीर्घायु हो और ये स्वस्थ हो के इस साल इस समय को बिताए और आगे चल के सुख समृद्धि को भोग करें। हरिओम तत्सत। मेरा आशीर्वाद आप सबको साथ है। जय गुरु, जय माँ।